हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमास टेस्टी रेसिपीज। और मैं हूँ सोमा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीजन सॉस के रेसिपी। ये सॉस बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। लेकिन वीडियो देखने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे सब अपडेट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और वीडियो अच्छे लगने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है इस रेसिपी में। ले लिया है लाल मिर्ची, ले लिया है फाइन चॉप्ड जिंजर, फाइन चॉप्ड गार्लिक, ले लिया है टोमेटो सॉस और सोया सॉस, विनीगर, पीपर, शुगर और सॉल्ट। पहले मैं लाल मिर्ची को गर्म पानी में भिगो कर रख देंगे 30 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए 30 मिनट हो चुके हैं और लाल मिर्ची भी भीग कर नरम हो गए हैं। अब मैंने इसको पीस लेंगे अच्छी तरह, स्मूथ पेस्ट होने चाहिए। देखिए अब मैंने पेस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करनी है ताकि अच्छी तरह पेस्ट बन सके। देखिए स्मूथ पेस्ट रेडी हो गए है। अब मैंने ओवन में पैन चढ़ा कर थोड़ा सा तेल डाल दिया और तेल को गर्म कर लिया। डाल दिया है चॉप्ड गार्लिक को, आप डाल देंगे चॉप्ड जिंजर को और 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करते रहेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। बाजार में जो मिलते हैं रेडी शेज़वान सॉस, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, लेकिन घर में बनाने से वो प्योर होते हैं और हेल्दी होता है। इसीलिए घर में आप लोग ट्राई कर सकते हैं ये रेसिपी। देखिए जिंजर गार्लिक फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने रेड चिली पेस्ट को डाल दिया। आप तीखापन अगर कम चाहिए तो चिली से उसका बीज निकल देना है तो थोड़ा सा कम तीखा होगा। आप डाल देंगे नमक, शक्कर और पीपर को और अच्छी तरह मिक्स करके पकाते रहेंगे 3-4 मिनट तक। फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखिए। देखिए अच्छी तरह पक चुके हैं जिंजर गार्लिक और रेड चिली पेस्ट एक साथ। अब मैंने टमाटो और सोया सॉस के जो मिक्सचर रखे थे वो ऐड कर लिया विनीगर को और अच्छी तरह मिलाते हुए फ्राई करते रहेंगे। जब अच्छी तरह मिल जाए 3-4 मिनट के बाद तब पानी ऐड करनी है। मैंने 2 कप पानी ऐड कर लिया और अच्छी तरह मिला लेंगे। उसके बाद कवर कर देंगे मीडियम लो फ्लेम में 4-5 मिनट तक ताकि अच्छी तरह पक जाए और पानी भी सूख जाए। देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, सॉस के कलर अच्छे निकल आए हैं, सॉस बनके रेडी हो गए हैं। अब मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसके बाद ठंडा करने के बाद एक ग्लास जार में रख लूँगी, स्टोर कर लूँगी। ये 3-4 महीने के लिए आप रख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे रहेगा, ख़राब नहीं होगा। आप ये रेसिपी शेज़वान राइस बना सकते हैं और बहुत चटपटा चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर तीखापन
कम करनी है तो बीज निकल देना। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। बहुत ही टेस्टी और यूनिक सॉस है ये रेसिपी, आप घर में बना लीजिए। लौट आएंगे जल्दी से एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।